ओके फाइन. रिया, आपको आवाज आ रही है अभी सही से? रिया, हेलो. बच्चों, आप लोगों को आवाज आ रही है? यो यो मैम, यो मैम, ओके ओके ओके, ठीक है. अगर कभी ऐसा होता है कि बाय चांस आप खुद आउट हो जाते हो मीटिंग से, ठीक है, क्योंकि ऑब्वियसली ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो कुछ ना कुछ टेक्निकल इश्यू आ सकता है, ठीक है, तो आपने क्या करना है ना, वापस से आ जाना, रिजॉइन कर लेना. नहीं हो पा रहा तो किसी किसी मैम. और. हाँ, क्या ज्योतिका? मैम गुड इवनिंग बोला. इवनिंग. अच्छा, गुड इवनिंग. ओके, तो किसी और विद द हेल्प ऑफ जीमेल आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, अपने पेरेंट के नाम से, पेरेंट्स के नाम से, या सिस्टर या ब्रदर के नाम से, ठीक है? ओके, मैम चलो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ. कल क्लास से किसी को कोई डाउट है? मैम आप आए नहीं. आना है अभी, धर्मशाला आना है अभी. अभी मैं अभी तो आई हूँ यार. तुम चाहते हो मैं आते ही वहीं पहुंच जाऊँ? बारिश में बहुत ठंड है यहाँ पे भी वैसे. ओके फाइन, गुड इवनिंग वंस अगेन एवरीवन. सो तुम्हें पता है अवंती का वो क्या है, लोगो? नहीं पता? एक सेकेंड, मैम. तुम्हें अवंती का लोगो नहीं पता? तो फिर चलो फटाफट से पढ़ो ये क्या लिखा है, जल्दी. बुक, कौन सी बुक? रितु, दिख रहा है आपको यस मैम. क्या लिखा, क्या लिखा है बताओ. वी द चेंज. वेरी गुड. सो चेंज. सो आपको ऐसे इस लोगों को याद करना, ऑब्वियसली आप अवंती से क्लासेस ले रहे हो तो आपको लोगों पता होना चाहिए. एक लोगों मैंने भी सिखाया था, तुम लोगों को याद है? याद है? मैम क्या बात है. यू तो जो मैंने मैम लोगों को सिखाया था, तन्वी वो बताएंगी, तन्वी नाथ. यो मैम, यू यो मैम. अरे मैंने एक लोगो सिखाया था, लोगो. मैम आई विल क्रैक इट. आई विल क्रैक यस, इट. यू यो विल आई विल क्रैक इट. तो यहाँ पे लिखा है वी द क्रैक. चेंज, जो अवंती का है, ठीक है, तो आपने बोलना है आई द चेंज. सब बोलो आई द चेंज. आई द चेंज. वेरी गुड. अब आई मैम ने वी क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ना आपको बनना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्फिश, ठीक है, सेल्फिश. ये कौन है, मिस्टर महाजन? मिस्टर महाजन कौन है, क्या पूछना है बच्चे आपको, बताओ. अच्छा, नाम क्या है मिस्टर महाजन जी आपका? तुमने ठान रखा है कि तुम लोगों ने कुछ बोलना नहीं है? तुम मौन व्रत धारण कर लेते हो 10 से 11 के बीच में? नो मैम. बस तन्वी ही है जो बोलती है, दो तीन बच्चे बस. ओके सुनो, मैं क्या बोल रही थी. आई वाज सेइंग कि तुम्हें बनना पड़ेगा थोड़ा सा सेल्फिश. कैसे सेल्फिश तुम्हें बनना पड़ेगा? लाइक तुम्हारे को थोड़ा कम सोना पड़ेगा, ठीक है, कम घूमना पड़ेगा, पर दोस्त नहीं कभी छोड़ने. तुम्हें थोड़ा सा कम सोना पड़ेगा, कम क्या बोलते हैं, कम सोना पड़ेगा, और क्या बोला मैंने दूसरा अभी, घूमना, कम घूमना घूमने. पड़ेगा, ठीक है, बट पेरेंट्स और फ्रेंड्स नहीं छोड़ने, ठीक है. इसका मतलब ये नहीं है कि क्या बोलते हैं, फिर मैम ने तो बोला था भाई सेल्फिश बनना है तो मैं तो नहीं किसी के बारे में सोचूंगी अब, ऐसा नहीं सोचना. तुमने पढ़ाई के बारे में है, और किसी के बारे में बाद में सोच लेना, बट अपनी पढ़ाई को फर्स्ट रखो अभी के लिए, बस 1-1.5 साल, ठीक है, उसके बाद तो कुछ भी करो, कौन पूछ रहा है ना, कौन ही पूछेगा अब, है ना. हाँ बट मुझे याद कर लेना तुम, ठीक है, याद करके रिजल्ट यू कि हाँ हम डॉक्टर बन गए हम, ठीक है. तो
मैंने क्या बोलना था, हाँ, सो यू हैव टू बी लाइक आई द चेंज, फाइन, नाउ व्हाई आई, बिकॉज इफ यू आर नॉट सेल्फिश सो यू विल नॉट एबल टू क्रैक. ठीक है, तो अगर आपको एग्जाम क्रैक करना है या आपको कुछ पढ़ना है, कुछ बनना है, वो कहते हैं ना यार, एक कहावत है ना, कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, सुना है? बस आपको वही करना पड़ेगा. तो कुछ पाना है तो कुछ खोना पड़ेगा, तो कुछ पा लो तो कुछ खो लो. वो किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है ना. अच्छा, मेरे हाथ में है, तुम्हारे हाथ में है. मेरा मेरा हो गया, मैंने जो खोना था और जो मैंने पाना था मैंने कर लिया, तुम्हारी बारी अब. ठीक है, तो कुछ पाना है कुछ खोना है. दिस इम्प्लाइज ऑन यू गाइस कि आपको क्या खोना है और क्या पाना है. ठीक है, थोड़ी से कभी कभार मोटिवेट भी कर देना चाहिए ना, सारा टाइम पढ़ते थोड़ी रहोगे तुम. ठीक है, ओके, चलो फाइन. सो लेट्स स्टार्ट नाउ विद द क्लास. आई गेस 1 मिनट चैट में कुछ. हरजाप, हेलो हरजाप, ओके. किसी को कल की क्लास से कोई डाउट है कि मैम नहीं समझ में आया कुछ? तो मैं तो नोट्स निकाल लूं, एक मिनट रुक जाओ. ओके, या बताओ. अब क्वेश्चंस किसने सॉल्व नहीं किया अभी तक यार? तुमने जो ठान रखा है कि मैम अब तो नहीं करेंगे हम, सबने कर लिए क्वेश्चंस, क्या बात है. चलो ठीक है, फाइन, गुड दैट यू गाइस हैव डन. ठीक है, कोई बात नहीं, टेस्ट आने ही वाला है, कुछ टेस्ट मैं भी ले लूंगी क्लास के थ्रू. सो लेट्स स्टार्ट नाउ रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल. देखो, कल मैंने बताया था कि जो सेल्स होते हैं, है ना, हमारे जो सेल्स हैं वो क्या करते हैं, अगर ज्यादा ग्रो हो जाते हैं, जरूरत से ज्यादा डिवाइड कर जाते हैं, वो सेल्स आपके हो जाते हैं, उनको कहते हैं हम कैंसरस सेल. समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है? नो मैम. ठीक है, दो प्रोटीन्स के बारे में पढ़ा था यार हमने, दो प्रोटीन्स जो है बेटे, एक हो गया आपका साइक्लिन और दूसरा हो गया आपका काइनेज. जो साइक्लिन है, यस, जो साइक्लिन है वो एक एक्टिव प्रोटीन है, और काइनेज जो है यार ये इनएक्टिव है. ये एक्टिव कैसे होगा यार? ये काइनेज के ऊपर डिपेंडेंट होता है. क्यों? क्योंकि साइक्लिन एक्टिव होता है, काइनेज इनएक्टिव होता है. कैसे एक्टिव होगा काइनेज? साइक्लिन को जाके पकड़ लेगा ये, वो कहेगा भाई तो मेरा दोस्त है, चलो घूमने चलते हैं. तो ये दोनों साथ में घूमेंगे, साइक्लिन और काइनेज जब साथ में मिल जाते हैं ना बच्चे, तो क्या होता है, इसको हम कहते हैं साइक्लिन डिपेंडेंट प्रोटीन काइनेज, शॉर्ट फॉर्म सीडीके. याद रहेगा ये दोनों पॉइंट्स? यो यो मैम. पक्का? कोई डाउट है यहां तक? फटाफट से बताओ. नो मैम. किसी को भी नहीं है? समझ में आ गया सबको? यो यो मैम. चलो नेक्स्ट. अब देखो इसको ध्यान से पढ़ लेते हैं एक बार. ठीक है, अब यार ये क्या कह रहा है कि कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं हमारे ना माइटोसिस में. किसमें? माइटोसिस. सबको याद है माइटोसिस, क्योंकि आज हम मियोसिस करने वाले हैं. तो माइटोसिस सबको पता है या नहीं? यो यो मैम. शाबाश, एक को ही पता है. यो यो मैम, एक ही कहा है मुझे. बाकी तुम क्या 3 दिन से क्या पढ़ रहे हो तुम? यो यो मैम. 2-3 बस, 3 पूरे 33 बच्चों में से 3, 4, 5, 6. गुड. हाँ तो जवाब दे दिया करो. ठीक है, तुम चैट चैट पे एक्टिव हो जाओ, कोई चक्कर नहीं, मैम कुछ नहीं कहेंगे. चलो एक सेकंड, इसको सबको इरेज कर दूं मैं. माइटोसिस, माइटोसिस में हमने क्या पढ़ा यार? एक सेल है, वो कहाँ जाता है सबसे पहले? G1 में. G1 से कहाँ जाता है? S में. S से कहाँ जाता है? G2 में. फिर वो M में सारा प्रोसेस करते हैं. बट अभी आप यहाँ देख रहे हो मैम, ये क्या, आपने G1 इतना बड़ा और S उससे भी ज्यादा बड़ा और G2 उससे भी ज्यादा बड़ा, और आपने हमें कुछ और समझाया. यहाँ पे मैं ये नहीं समझा रही हूँ, मैं यहाँ पे ये समझा रही हूँ कि बेटा इसमें चेक पॉइंट्स होते हैं. क्या होता है चेक पॉइंट से क्या समझ में आता है? ठीक लग रहा है, ये चेक कर देती हूँ. चेक पॉइंट्स क्या होते हैं बताओ? चेक पॉइंट्स क्या होता है, मतलब क्या होता है चेक पॉइंट्स का? बच्चों आवाज आ रही है? Yes, चेक पॉइंट नहीं पता तुम्हें? तुम तो ऐसे बैठे जैसे पता नहीं मैंने तुमसे कुछ पूछ लिया है ऐसा, कि मतलब जैसे कहते हैं कि मैम ने आपकी लिवर मांग ली इसलिए आप देना नहीं चाहते हो, हैं?
कुछ ऐसा मांग लिया मैंने तुमसे, जवाब नहीं दिया जा रहा तुमसे, बताओ। भूमिका बच्चे वीडियो ऑफ कर लो। अरे यार, चेक पॉइंट्स जब आप हिमाचल से, ठीक है, चंडीगढ़ वालों के लिए हिमाचल से, तो मैं आप लोगों को हिमाचल से कहूंगी, ठीक है, और मैं चंडीगढ़ वाली, ठीक है, हिमाचल से चंडीगढ़ वालों के लिए अगर आप एप्पल्स भेजेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सेकंड बात ये बेटा, जब वो आएगा उसकी चेकिंग होती है, ऑब्वियसली बात है, अगर ट्रक के इतने बड़े ट्रक में अगर 2000 एप्पल्स आ रहे हैं, उस एप्पल्स की जगह पे अगर गन्स बॉम्ब रख दे, क्या होगा? चंडीगढ़ तो गया, टाटा बाय बाय। तो आना जरा तुम घूमने, और मैम भी चली जाएंगी साथ में, आया ना? यस मैम, यस मैम, तुम बोल लो यार कुछ, पता चलेगा मुझे तुम्हें कुछ समझ में भी आ रहा है या नहीं। मेन पॉइंट्स, यस गुड गुड रितु, नाइस। मेन पॉइंट्स, सो दे आर द चेकिंग पॉइंट्स। चेक पॉइंट यानी ऐसा पॉइंट जहां पे चेकिंग हो रही है, ठीक है, इसीलिए हम उसको बोलते। तो एक कुछ चेकिंग होती है, इसीलिए हम इंटरफेस में, एक मिनट, इंटरफेस में हम क्या कर रहे हैं, चेक पॉइंट्स लगा रहे हैं, ठीक है। स्क्रीन दिख रही है सबको, ठीक है यस मैम, बेटा? तीन चेक पॉइंट्स होते हैं, कितने चेक पॉइंट्स होते हैं? थ्री तो आप देख सकते हो, पहला वाला क्या है, पहला वाला चेक पॉइंट ये रहा। तो ये जो चेक पॉइंट है यहाँ पे हो रहा है G1 में। तो G1 में जैसे हमने बताया कि RNA प्रोटीन इन सबका काम चल रहा होता है, राइट? तो ये S में जाने से पहले, यानी DNA की सिंथेसिस होने से पहले G1 में इसकी चेकिंग होती है। तो ये रहा आपका फर्स्ट चेक पॉइंट, ओके? सो दिस फर्स्ट चेक पॉइंट इज नोन एज योर मेजर चेक पॉइंट, ठीक है? यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है? और आप ये नो देख रहे हो ना, जीवन मैम, कितना बड़ा है कंपैरेटिवली G2 के। आवाज आ रही है यार तुम लोगों की? यस बोलते मैम, बोलोगी नहीं तो मुझे यस पता कैसे लगेगा कि तुम्हें समझ में आ रहा है या नहीं। यो यो बोलो तुम, ठीक है? जीवन भाई, मैम, जीवन बच्चे, जीवन इज, जीवन टू एस इज द ट्रांजिशन बिटवीन दैट इज नोन एज मेजर चेक पॉइंट, फाइन? तो एस में आपका डीएनए का सिंथेसिस हो रहा है, तो एस में भेजने से पहले जीवन में चेकिंग हो रही होगी। चेक क्या करता है यार, ये चेक करता है कि जैसे आपका सेल का साइज है वो ठीक है, न्यूक्लियस की ग्रोथ है क्या वो ठीक है, डीएनए बनने जा रहा है ना, तो उससे पहले आरएनए, वो सब ठीक है, ठीक है? तो इसकी चेकिंग जीवन में होती है। फिर वो एस में आता है, एस में कोई चेक पॉइंट नहीं दिख रहा, दिख रहा है आपको? नहीं। ऐसे फिर वो G2 में भी चला जाता है। G2 में, G2 से M में जाने से पहले बेटा यहाँ पे एक चेकिंग होती है, ये होता है आपका माइनर माइनर चेक पॉइंट, ठीक है? तो देखो, G1 कितना बड़ा है, मेजर, G2 छोटा है, माइनर, ऐसे याद रहेगा ना? स्पेस देखो कितना बड़ा बनाया मैंने G1 में, स्पेस कितना छोटा बनाया G2 में, तो वो माइनर हो गया, छोटी चीज माइनर, बड़ी चीज मेजर, ये तो पता है ना? तो माइनर चेक पॉइंट में बच्चे होता क्या है, यहाँ पे हो जाता है, इसको हम कहते हैं मैचुरेशन प्रमोटिंग प्रमोटिंग फैक्टर, ओके? मैचुरेशन MPF, 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 तो MPF यानी मैचुरेशन। फॉर एग्जांपल देखो, अभी आप कौन सी क्लास में हो यार? इलेवन, राइट? अब मैं बोलूं कि एक आपके साथ में इलेवेंथ, आप इलेवेंथ के, और आपके साथ एक फर्स्ट क्लास का बच्चा बिठा दिया, राइट? तो फर्स्ट क्लास का बच्चा, इलेवेंथ क्लास का बच्चा जो है वो ABCD पढ़ेगा? नो। ले, और फर्स्ट क्लास का बच्चा फिजिक्स केमिस्ट्री पढ़ेगा? नहीं ना। वो जब बड़ा हो जाएगा तब उसको उतना पढ़ाएंगे, वरना भी उसको जरूरत नहीं है, जिसकी जरूरत है उतना ही होगा ना। मेच्योरिटी लेवल होती है एक, अभी जब आप छोटे थे तब आप पेन फाइट खेलते थे, है ना? अभी आप बड़े हो गए हो तो आप मेच्योर हो गए, तब आप एक दूसरों से फाइट करते हो, है ना? पेन के साथ तो बाद में फाइट करोगे। तो ये मेच्योरिटी लेवल आती है कहाँ पे, मेच्योर आपकी जो फैक्टर्स हैं वो कहाँ पे प्रमोट होते हैं, G2 में। G2 माइनर चेक पॉइंट होता है। यहां तक समझ में आ गया? यहां तक कोई डाउट है किसी को? और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस और जो भी सेल का साइज है वो क्या होगा, इससे ज्यादा मेच्योर हो जाएगा, ठीक है? मेच्योरिटी लेवल चेक हो रही है ना यहाँ पे, इसीलिए।
समझ में आ गया, यहाँ तक कोई डाउट है? नो मैम। और एक और छोटा एग्जांपल दे देती हूँ, जब एक छोटा बेबी बॉर्न होता है तो मम्मा सबसे ज्यादा, दो बच्चे हैं ठीक है, एक है 7 इयर्स का, एक है 1 मंथ का, तो जो मम्मा होते हैं मदर होती है वो सबसे ज्यादा ध्यान किसको देती है? हाँ 1 मंथ वाले को। बस आपने ऐसे याद रखना है कि जब एक सेल डिवाइड करता है सबसे पहला जो फेज है उसका जीवन, जीवन से ही उसकी चेक पॉइंट चेकिंग करते हैं, चेक करते रहते हैं ना मम्मा, अरे इसको बुखार तो नहीं है, अरे ये रो क्यों रहा है, चेकिंग करते रहते हैं, सो दैट इज द चेक पॉइंट, राइट? साउंड्स गुड, एग्जाम्पल्स याद रह रहे हैं, कनेक्ट कर पा रहे हो, इसलिए फिर इजी हो जाएगा आपको याद करना, ठीक है? ठीक है, सो डीएनए की रेप्लिकेशन हो गया, डीएनए का डैमेज हो गया, सेल का साइज हो गया, ये सब कुछ ये चेक करता है। प्लस इसमें क्या होती है, माइटोटिक साइकिल प्लस सीडीके। सीडीके क्या है, अभी पीछे ही बताया मैंने, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। गुड, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज प्रोटीन, ठीक है, सो दैट इज व्हाट। अब साइक्लिन क्या करेगा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज है कौन, काइनेज जब साइक्लिन के ऊपर बच्चे डिपेंडेंट हो जाता है, इसलिए हम उसको सीडीके कह देते हैं, शॉर्ट फॉर्म। ओके, गॉट इट? यूयू मैम। बस दो बच्चों को यूयू, बाकी तुम, बाकी क्या कर रहे हो तुम, बता दो यार क्या कर रहे हो तुम, सो तो नहीं गए? नो मैम। नो मैम, ठीक है, ओके फाइन। नेक्स्ट आपका आ जाता है, आवाज मेरी क्लियर आ रही है ना? हाँ, ईयरफोन्स की जरूरत तो नहीं लग रही आप लोगों को? नो मैम, आवाज क्लियर है, चलो ठीक है। ओके, जी टू से एम में जा रहा है, अब क्या करे? अच्छा, इतना पार्ट समझ में आ गया, इरेज कर दूं मैं ये, वहां यहाँ से कर देती हूँ बस। यू यू मैम, ठीक है, ओके। सो जी टू से बेटा एम में जा रहा है, जी टू से एम में जाएगा, एम में आप देखो यहाँ पे मैंने मिडल में बनाया है ये चेक पॉइंट, है ना, थर्ड वाला, ये आपका सेकंड वाला माइनर चेक पॉइंट, थर्ड वाला ये रहा। तो अब ये कहाँ पे बन रहा है यार, मेटाफेस एनाफेस ट्रांजिशन, ठीक है, याद है तुम्हें मेटाफेस और एनाफेस ट्रांजिशन या नहीं, भूल गए तुम? यो यो मैम, बस अमन को याद है, बस दो थिंग, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन में क्या होगा कि ये ऐसा फेज है जहां पे बेटा ये किसको प्रमोट करेगा, ये एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स। अरे वाह, क्या बात है, तुमने तो मेरे से पहले ही बता दिया, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है। सो ये है आपका थर्ड चेक पॉइंट, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन, यहाँ पे एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स रहे, इसको हम किसको बोल देते हैं, मेटाफेज एनाफेज ट्रांजिशन को, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये क्या करता है बेटा, यहाँ पे ये क्रोमोसोम्स को क्या करता है, एनाफेज में क्या होता है बच्चों, तुम्हें अगर माइटोसिस याद नहीं रहेगा तुम्हें मियोसिस कैसे याद रहेगा? प्रोटीन हेल्प, प्रोटीन करता क्या है, प्रोटीन आपके जो क्रोमोसोम्स है उसको सेपरेट करने का काम करता है, हाँ, एनाफेज में, यहाँ चले नहीं आते, दूर नहीं चले जाते, वो याद आया कुछ, भूल गए तुम, दो दिन में भूल गए, तो अभी तो ये 2 साल कैसे याद रखोगे, समझ में आ गया? यहाँ तो कोई डाउट है किसी को कि मैम नहीं समझ में आया? नो मैम। तो एक बार ये फटाफट से देख लेते हैं, यहाँ पे मैंने बताया हुआ है, नोट्स है यहाँ पे अपना, तो जीवन ट्रांजिशन देख रहे हो, एक सेकेंड, ये रहा जीवन ट्रांजिशन, जीवन से एस का ट्रांजिशन मेजर चेक पॉइंट, ठीक है, ये कंट्रोल करता है, कंट्रोल किससे होगा, साइक्लिन और काइनेज से, और एस से फिर वो जी टू में जाएगा, एस से जी टू में कोई चेक पॉइंट नहीं है, जी टू फेज में आ जाएगा, वो कौन सा होगा आपका, मैच्योरेशन प्रमोटिंग फैक्टर करेगा, एमपीएफ कह देते हैं, सेल साइज, सेल की साइज को, डीएनए डैमेज, डीएनए रेप्लिकेशन, इन सबको चेक करता हुआ जाता है, ठीक है, समझ में आ गया। उसके बाद हमारा थर्ड वाला आ जाता है, कौन सा, मेटाफेज टू एनाफेज, विच इज ऑल्सो नोन एज एनाफेज प्रमोटिंग कॉम्प्लेक्स, क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं उसको सेपरेट करता है, होता ही एनाफेज में है, तो एनाफेज के बारे में बस इजी सा तो है, समझ में आया तुम्हें, तुमने पढ़ के आया तुम, मैंने तुम्हें कल बोला था ना पढ़ के आना, यू यू मैम, यस मैम, बस दो ने पढ़े, 3-4 नहीं पढ़े, ओके चलो, लास्ट पॉइंट क्या कह रहा है यार, लास्ट पॉइंट कह रहा है, इफ
एपीसी, एपीसी यानी एनाफेस प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स इज नॉट फॉर्म्ड, अगर एपीसी ना बने बच्चे तो क्या होगा, देन देन इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सेपरेटिंग द क्रोमोजोम्स, वो क्या होंगे, क्रोमोजोम्स जो है वो सेपरेट नहीं होंगे, उल्टा वो सेग्रीगेट हो जाए, ठीक है। अच्छे से जब कोई चीज होती नहीं है तो वो क्या होगा, खराब ही हो जाती है ना, हाँ या ना। अब फटाफट से नोट्स खोलो अपने, कौन से नोट्स, माइटोसिस वाले, जल्दी, तब तक मैम एक सरप्राइज लाए आपके लिए, वैसे वाला सरप्राइज नहीं है कुछ खास, बट यस पढ़ाई के रिलेटेड, खोलिए नोट्स जल्दी, बोलो। यो मैम, बस एक नहीं खोला यार। यो यो मैम, यस मैम, ओके फाइन, सबने खोल लिया माइटोसिस, यो यो मैम, ठीक है। अब मेरे को फटाफट से बताओ, माइटोसिस जब सेल, उसमें सेल किसमें जाता सबसे पहले, जीवन, वेरी गुड, जीवन, ठीक है। जीवन के बाद यार अब तो टिप्स में याद होना चाहिए, इकट्ठे बोलो, चलो सारे बोलो, सबसे पहले सेल जाएगा जीवन में, जीवन से एस से जी टू फेज, शाबाश, ये सारा आपका इंटरफेज हो गया। जी टू से फिर वो कहाँ जाएगा, एम फेज सबसे पहले कहाँ जाएगा, प्रोफेज, शाबाश, प्रोफेज से मेटाफेज, वेरी गुड, मेटाफेज से एनाफेज, टीलोफेज से साइटोकाइनेसिस से जीवन, जीवन अगर उसका मूड नहीं कर रहा डिवाइड करने का तो कहाँ जाएगा वो, जी नॉट फेज, जी नॉट, शाबाश, अपने लिए तालियां बजाओ, चलो खुद तालियां बजाओ, पेन को साइड करके तालियां बजाओ, चलो बहुत अच्छा, शुक्र है तुम्हें याद हो गया, चलो आवाज नहीं आई मुझे हमारी तालियों की नहीं नहीं ठीक है ठीक है, इट्स ओके। यार ये कौन है मुझे पहले ये बताओ, मिस्टर महाजन, आर यू अ न्यू स्टूडेंट, अरे यार वो लीव करके चला गया बच्चा, ओके फाइन, कोई नहीं इसको चेक कर लेंगे हम कौन है ये, क्या था दूसरी बात, कहाँ पहुंच गए थे मैम, हाँ मैम ने ये दिखाना था कुछ, यस वन मिनट, ठीक है नोट्स खोल लिए अपने, चलो अब मैम एक वीडियो दिखा रहे हैं, पहले मेरे को बताना आवाज आ रही है या नहीं, वैसे तो शायद नहीं आएगी, बट स्टिल दिख रही है आपको स्क्रीन ना, अरे खुल जाओ, ओह माय गॉड यार, एक सेकेंड क्या, एक सेकेंड अपना, ओके ठीक है, खोली सबने नोट्स, ये वीडियो पहले मेरे को बताओ आवाज आ रही, आवाज आ रही है वीडियो की, ना ठीक है कोई बात नहीं सर, वीडियो की आवाज नहीं आ रही तो मैम बता देंगे आपको, टेंशन ना लो, ये क्या दिख रहा है आपको, अरे क्या दिख रहा है ये सर, हाँ अब देखो सेल के अंदर जब माइटोसिस होने लगता है तो आप देख सकते हो, देखो सेंट्रियोल्स बन रहे हैं, और ये क्या है, सेंट्रोमीर, हाँ 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 शाबाश, बहुत बढ़िया, सेंट्रोमीयर के बच्चों, सेंट्रियोल्स, सॉरी क्रोमैटिन, क्रोमैटिन है ये, ठीक है, तो ये क्रोमैटिन देखो कहाँ पे घूम रहा है, न्यूक्लियस के अंदर, ये सेल है, ये सेंट्रियोल है,
ये क्रोमैटिन है, कहाँ घूम रहे हैं, न्यूक्लियस के अंदर, क्रोमैटिन ही तो घूम, यार क्रोमैटिन ही तो क्रोमोसोम बनाता है। या आपको याद है पहला कौन सा फेज है हमारे माइटोसिस में, कौन सा फेज है पहला? जीवन। शाबाश शाबाश, माइटोसिस में सबसे पहला फेज जीवन। बहुत बढ़िया, तुम बहुत अच्छे हो। प्रोफेज, प्रोफेज और प्रोफेज में मैंने दो फेज बताए। मैं बोल तो रही हूँ, नोट्स खोल के बैठ जाओ, तुम फिर भी गलत बोल रहे हो। माइटोसिस के खोलने हैं तुमने, इंटरफेस नहीं खोलना है जीवन की बच्ची, ठीक है? प्रोफेज में मैंने दो फेजेस बताए थे, एक है अर्ली अर्ली प्रोफेज और एक है लेट प्रोफेज। अर्ली प्रोफेज में आपका क्रोमैटिन ऐसे आराम से घूम रहा है, ठीक है? जब लेट प्रोफेज है उसमें क्या दिख रहा है आपको, क्रोमोसोम बने या क्रोमैटिन है अभी भी? क्रोमोसोम। देखो क्या बन रहा है, ये देखो अभी क्रोमैटिन है, yes, प्रोफेज है, अर्ली प्रोफेज, ठीक है? अब इसके बाहर जो सेंट्रियोल है बेटा, ये क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। डिवाइड करने के बाद ये क्या करेगा, ये पोल्स में चला जाएगा यहाँ पे, ठीक है? आई लव टेंशन। बन गए क्रोमोसोम लेट प्रोफेज, देखो कहाँ आ रहा है, स्पिंडल फाइबर के साथ। और ये क्रोमोसोम्स क्या कर रहे हैं, अभी दूर दूर हैं, है ना? इन्होंने अभी एक हो जाना है, एक सीधे लाइन में आ जाएंगे, ठीक है? वो कहाँ पे आएंगे, मेटाफेस। प्रोफेस के बाद मेटाफेस ही तो आता है यार, तुम जवाब क्यों नहीं दे रहे हो? ठीक है, देखो मेटाफेस, ठीक है? कौन सा प्लेन है ये, क्रोमोसोम कहाँ पे आते हैं ऐसे एक लाइन सा बना के, याद नहीं तुम्हें मैंने बताया था? ऐसा सा होता है, हैं? अरे मेटाफेज में आते हैं बेटा, इस लाइन को क्या बोलते हैं जब क्रोमोसोम सारे यहाँ आ जाते हैं, इस लाइन, इस प्लेन को क्या बोलते हैं हम, इक्वेटोरियल प्लेन। मतलब तुमने पढ़ा ही नहीं है, पढ़ना ही मत, ठीक है? पढ़ना छोड़ दो तुम लोग, मस्त मौज करो, ओके? चलो ये इक्वेटोरियल प्लेन में आ गए सारे। अब उसके बाद ये देखो मेटाफेज हो गया, सेंट्रियोल दे रही फाइबर्स के साथ, ठीक है? अब ये देखो क्या कर रहे हैं, क्रोमैटिड्स अलग हो जा रहे हैं, दूर जा रहे हैं, कहाँ पे, एनाफेज में है ये। तो दूर कहाँ जा रहे हैं, किसके पास जा रहे हैं ये, सेंट्रियोल्स, ठीक है? पहुंच गए सेंट्रियोल्स के पास। अब देखो नॉर्थ पोल साउथ पोल याद आया कुछ, है ना? वो अलग अलग दूर दूर चले जाते हैं। यार तुम कंफ्यूज मत हो जाना, वहां पे मैंने डायग्राम ऐसे बनाया, इन्होंने डायग्राम थोड़े से इधर को कर दिया, क्रोमोसोम हमने ऊपर को ऐसे बनाए थे ना, बस इन्होंने इधर को कर दिया। डर मत जाओ कि ये क्या बन गया, मैम ऐसा तो आपने नहीं सिखाया हमें, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा ही होता, ठीक है? चलो अब लास्ट फेज में क्या होता है, टेलोफेज में देखो ये कौन सी फॉर्मेशन बना दी इसने, कौन सी फॉर्मेशन है बच्चों? यार ये ऐसे डीप बन रहा है, इस फॉर्मेशन को क्या बोलते हैं? तो तुम इतने टाइम क्यों लगा रहे हो सोचने में, मतलब पढ़ते नहीं हो तुम लोग, है ना? फरो फॉर्मेशन हो गई। अब टिलोफेज भी मैंने दो बताए थे, एक अर्ली टिलोफेज, दूसरा कौन सा है, लेट टिलोफेज, ठीक है? कैसे अपने आप को डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे कोई भी न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं है, सेंट्रियोल्स के पास स्पिंडल फाइबर है ना, है या नहीं? अब देखना क्या होगा, देखो क्रोमोसोम क्रोमैटिन में बदल गए, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन बन गया, अब जो सेंट्रियोल्स के साथ स्पिंडल फाइबर थे वो कहाँ है, दिख रहे हैं तुमको? ये बन गया आपका लेट टेलोफेज, ठीक है? अब देखो ये डिवाइड होने, ये डिवाइड हो चुके हैं, बढ़िया से डिवाइड होके ये कहाँ जाने वाले हैं, साइटोकाइनेसिस में, ठीक है? समझ में आ गया? मैम आपको सिर्फ दो मिनट दे रहे हैं, फटाफट से अपने नोट्स को पढ़ो, दो मिनट नोट्स को पढ़ो फटाफट, उसके बाद मैम ये वीडियो फिर से दिखाएंगे, ठीक है? दो मिनट दे रहे हैं, चारों फेसेस को अच्छे से पढ़ो, प्रोफेज कहाँ पे होता है
और फिर मेटाफेस में क्या होता है, एनाफेस में क्या होता है, टेलोफेस में क्या होता है, साइटोकाइनेसिस में क्या होता है. अगर वो समझ में आएगा बेटा तभी आपको आज मियोसिस समझ में आएगा. थर्टी फोर पे आई विल आस्क यू. ओके मैम चलो 1 मिनट मोर. जस्ट 1 मिनट. ओके 1 मिनट. डन. यही मैम, यही मैम. बस एक. ओके ओके फाइन. सो फटाफट से ये वीडियो देख लेते हैं कहाँ गया. चलो आवाज नहीं आ रही बट आप नोट्स को साथ साथ में देखते जाओ. स्लो चला रही हूँ. ठीक है. ये तो देखो प्रोफेस आपका ऐसा दिखता है. ठीक है. पूरी यही मैम. वीडियो अपने दिमाग में बिठा लो वरना माइटोसिस, माइटोसिस तो चलो अगर याद नहीं रहा तो मियोसिस भी समझ नहीं आएगा क्योंकि वहां पे भी प्रोफेस, मेटाफेस, एनाफेस, टेलोफेस है. फिर तुम कंफ्यूज हो जाओगे ये क्या हो गया मैम. ठीक है. इसीलिए बोल रही हूँ ध्यान से वीडियो को देखो मैम. एक एक फेज में जब बन जाएगा स्टॉप कर देंगे फॉर 5 सेकेंड्स. ठीक है. चलो प्रोफेस डन. नेक्स्ट प्रोफेस की बात बनेगा. मेटाफेस वेरी गुड. अब मेटाफेस देखो मेटाफेस में क्या हो रहा है. एनाफेस क्रोमोसोम्स दूर चले जाएंगे, सेंट्रियोल्स के पास पहुंच गए. इसके जी मैम. बाद अभी क्या करेगा, सेल डिवाइड करेगा. कैसे कैसे करेगा, पोलर फॉर्मेशन के थ्रू. देखो सेंट्रियोल्स के साथ जो स्पिंडल फाइबर थे क्रोमोसोम से अलग हो गए और एक मैटर बन गए. न्यूक्लियर मेम्ब्रेन आ गया, स्पिंडल फाइबर उड़ गए, बस सेल ने पूरा डिवाइड कर लिया. खत्म कहानी. समझ में आया कहानी पक्का. यो मैम, ठीक है. यो मैम, ओह लैपटॉप. सॉरी. चलो अब ओके वी हैव कितना. ओके वी हैव गुड टाइम. हो जाएगा. 30 सेकेंड्स दे रहे हैं. फटाफट से ऐसे देख लो कि मियोसिस, माइटोसिस है क्या. ठीक है. जल्दी से. आवाज आ रही है ना सबको मेरी. ठीक है. यो मैम, ओके सो सो लेट्स करें स्टार्ट मियोसिस. ओके 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 हियर इट इज. चलो तो फर्स्ट ये देखो मियोसिस में देखो क्या होने वाला. देखो जैसे हमारा माइटोसिस था वैसे ही हमारा होने वाला है मियोसिस भी.
ज्यादा कुछ खास फर्क नहीं है, बट हाँ देखो, सबसे पहले जो आपका इंटरफेस है, इंटरफेस में सेल क्या करेगा बेटा, जीवन में जाएगा, जीवन से एस में जाएगा, एस से जी टू में जाएगा, और फिर वो करेगा मियोसिस। माइटोसिस हो गया, अब हम मियोसिस पढ़ रहे हैं। सो मियोसिस यानी एम फेस, ठीक है। तो जो आपका सेल यहाँ पे डिवाइड कर ग्रो करेगा वो करेगा 95% सेम जैसे माइटोसिस में था। वहां पे भी तो ग्रोथ में ज्यादा टाइम लगा रहा था ना, डिवीजन तो उसने 5% में कर लिया था, सेम यहाँ पे भी यही है। 95% में इसने ग्रोथ करी अपनी, मियोसिस में इसने कर ली 5% में। समझ में आ गया? क्योंकि सेल क्या करता है, एम फेज में अपने आप को प्रिपेयर करता है, ठीक है, इसलिए हम इसको एम फेज कहते हैं। समझ में आ गया? Yes, और यहाँ पे थे एक फार्मर एंड मोरे, इन्होंने मियोसिस को टर्म किया था। हाँ जी रितु, बच्चे पूछो क्या हुआ। रितु कुछ पूछना है आपको? ओके ठीक है मैम, 2 सेकंड वेट कर रहे हैं, हम चैट पे लिख दो। ठीक है, यहां तक किसी को कोई डाउट है? नो मैम। ठीक है, फार्मर और मोरे ने किया है, उसको टर्म दिया है मियोसिस। अब एक सेल को अगर डिवाइड करना है, एक सेल को अगर डिवाइड करना है तो वो बेटा किसके थ्रू होगा? मियोसिस के थ्रू। ठीक है, मियोसिस के थ्रू होगा क्योंकि सेल कहां जाएगा सबसे पहले? इंटरफेस, यानी कि जीवन, जीवन से एस, एस से जी टू, फिर मियोसिस, मियोसिस में सेम। यहाँ पे अभी आएगा, मैं बताती हूँ, एकदम से कंफ्यूज नहीं करना चाहती, इसलिए मैंने कहा कि आप माइटोसिस का एक बार पढ़ लो। ठीक है, कोई डाउट है यहाँ तक? मैम वो इन्वेंटेड मियोसिस, हु इन्वेंटेड मियोसिस? फार्मर एंड मोरे, दे इन्वेंटेड, दे टर्म्ड मियोसिस, नॉट इन्वेंटेड, दे टर्म्ड मियोसिस। ठीक है, फाइन, समझ में आ गए? यहाँ तक कोई डाउट है? ठीक है, मियो यानी बेटा कुछ लेस, कुछ कम। अब तुम्हें याद होगा कि जब हमने माइटोसिस पढ़ा था, है ना, उसमें हमारे क्रोमोसोम्स क्या थे? अगर क्रोमोसोम हैप्लॉइड है तो वो डिप्लॉइड बन जाता था, है ना, डबल हो जाता था, उसका जो कंटेंट है वो भी डबल हो जाएगा। बट मियोसिस में ऐसा नहीं है। मियोसिस में क्या होगा, जो आपका क्रोमोसोम है या आपका जो कंटेंट है वो हो जाएगा हाफ, हाफ द कंटेंट। समझ में आ गया? उसका आधा। अंडरस्टूड? मैम, इसीलिए जब वो आधा हो जाता है, कोई चीज कम हो जाती है बेटा, ऐसे प्रोसेस को हम बोल देते हैं री, वन सेकेंड, पेन पंगा कर रही है, 1 मिनट, रिडक्शनल मियोसिस। ठीक है, रिडक्शन हो रही है, चीजें कम हो जा रही हैं। अगर मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 10 एप्पल्स दे दिए और उसमें से अगर मैं 4 ले लूं तो क्या हुआ, एप्पल ज्यादा हो गए या कम हो गए? कम हो गए ना, तो उसको हम बोलेंगे माइटोसिस, सॉरी मियोसिस। कम हुए, रिड्यूस हो गया, मियोसिस। ठीक है, डबल हो गया, माइटोसिस। डिफरेंस समझ में आ गया? यस। ठीक है, अब जब देखो कोई ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस करता है, वो सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करता है, उसमें किसके थ्रू हेल्प करता है? गैमेट्स प्रेजेंट होते हैं या नहीं होते? यस मैम। एक हमारे पास मेल है, एक हमारे पास फीमेल है, राइट। तो जब मेल के गैमेट में मियोसिस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को बोल देते हैं बेटा स्पर्मेटोजेनेसिस। तो स्पर्मेटोजेनेसिस के जेनेसिस के थ्रू क्या होगा, क्या बन जाएंगे, कौन सा गैमेट बनेगा? अरे स्पर्म बनेगा यार, और क्या ही बनेगा, इसमें इतना सोचना क्या है? स्पर्मेटोजेनेसिस के थ्रू स्पर्म ही बनता है, और कुछ नहीं बन पाएगा। फीमेल के गैमेट में अगर मियोसिस होगी, स्पेलिंग को थोड़ा रखो साइड पे, बस समझ जाओ। ठीक है, अगर फीमेल के गैमेट में मियोसिस होगी तो उसको हम क्या बोलेंगे? नहीं पता, पेपर कैसे दे रहे हो तुम लोग, हैं? मार्क्स कैसे आ रहे तुम लोगों के? ओजेनेसिस। तो अगर फीमेल के गैमेट में बच्चे
मियोसिस हो जाए उसको हम बोलेंगे उसको ऊजेनेसिस, बट गेमीट का नाम क्या होगा? तुम्हें समझ में आ रहा है क्या पढ़ा रही हूं मैं? क्या हो गया? एग, बस रितु को ही पता और किसी को नहीं पता? रिडक्शन डिवीजन, गुड नाइस, गुड रितु। बाकी तुम्हें ओजेनेसिस से समझ नहीं आया? अगर देखो एक अगर मेल का स्पर्म है तो फीमेल का क्या बनेगा बच्चे, ओवा या एग? नहीं पता, किसी को भी नहीं पता ये? पता, आवाज आ रही है मेरी? ये समझ में आया या नहीं आया? यो यो। कोई है मैम? नहीं समझ में आया, बता दो जल्दी जल्दी बताओ मैम, नहीं आया समझ? कुछ नहीं है यार, देखो गेमीट से ना, मेल के गेमीट में अगर मियोसिस हो जाती है। अच्छा फर्स्ट ऑफ ऑल एक चीज बता दो, मियोसिस कोई अगर चीज है, अगर मेरे पास 46 क्रोमोसोम है उसको वो कर देगा हाफ, तो 46 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया? 23। शाबाश। एक डिप्लॉइड, बेटा सुनो अभी ध्यान से है ना, डिप्लॉइड सेल के अंदर यानी 2n सेल के अंदर अगर मियोसिस हो जाए बच्चे, वो बना देगा हैप्लॉइड सेल, ठीक है? तो ये हो जाएगा आपका n। तो वही हम अभी पीछे पढ़ रहे थे कि जो मेल गेमीट के अंदर अगर मियोसिस हो जाती है, इस प्रोसेस को, मेल गेमीट के अंदर मियोसिस होती है उस प्रोसेस को हम स्पर्मेटोजेनेसिस कह देते हैं, ठीक है? वो हो जाता है आपका स्पर्म्स। फीमेल के अंदर अगर मियोसिस होती है उसके गेमीट के अंदर, उस प्रोसेस को बोलते हैं ओजेनेसिस, और वो कौन से गेमीट निकालती है? ओवा और एग, बस इतना ही है। बट मियोसिस होने से पहले गेमीट्स आपके 2n है, जब मियोसिस हो जाए तो वो क्या हो जाएगा? हैप्लॉइड। यहाँ पे भी सेम, यहाँ पे मियोसिस से पहले ये डिप्लॉइड है, मियोसिस हो जाए तो वो उसको कर देगा हाफ और वो बन जाएगा n यानी हैप्लॉइड सेल। समझ में आ गया? यार मैम, तो यहाँ पे अगर 46 होंगे तो इधर आ जाएगा 23, इधर भी 46 है तो इधर आ जाएगा 23, बस सिंपल एज दैट। नहीं आया समझ? आ गया पक्का सबको? ये बस पढ़ लेना इसको, ये जो यहाँ पे मैम ने लिखा हुआ ऑलरेडी, रिडक्शनल और ये सब कुछ, ठीक है? आगे चलते हैं। कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ ये देखो, मैंने इन बच्चों को भी बताया था पीछे ना, मियोसिस, मियोसिस होती है किसमें? डिप्लॉइड सेल में होती है मियोसिस। जब एक बार डिप्लॉइड सेल में मियोसिस हो जाए तो वो बना देती है हैप्लॉइड सेल। ऐसे दो सेल जुड़ी है ना, अब एक सेल बन गया बस, ठीक है? समझ में आ गया? Yes, अब मियोसाइट करके एक चीज होती है, ठीक है? मियोसाइट, मियोसाइट यार क्या होता है? मियो मतलब मियोसिस, साइट यानी सेल, तो मियोसिस सेल के अंदर हो गई मियोसाइट। यहां तक समझ में आया? यहां तक कोई डाउट है? ठीक है, तो बच्चे यही है, डिप्लॉइड सेल 2n होता है, आपके क्रोमोसोम 2 होंगे, आपका कंटेंट ऑफ डीएनए 2 डबल होगा, क्यों? क्योंकि वो डिप्लॉइड सेल है। जैसे ही डिप्लॉइड सेल के अंदर मियोसिस आ जाती है, वो बन जाती है हैप्लॉइड, वो हो जाती है उसकी हाफ यानी NN, तो N23 अलग अलग यानी स्पर्म और ओवा से जब 23 क्रोमोसोम्स आ जाते हैं, फर्टिलाइजेशन होती है, जायकोट बनता है, एक न्यू ऑफस्प्रिंग आ जाता है। समझ में आया? ठीक है, अब मियोसाइट जो है ना, मियोसाइट गेमीट फॉर्मेशन करता है, याद रखना गेमीट्स की फॉर्मेशन होती है मियोसाइट्स के थ्रू, और जो मियोसाइट है वो डिपेंड करता है ऑर्गेनिज्म टू ऑर्गेनिज्म, ठीक है? क्यों, देख लेते हैं कैसे होता है यार। तीन अलग अलग मियोसिस होते हैं आपके, एक होता है आपका जायगोटिक मियोसिस, तो जायगोटिक मियोसिस यानी ऐसी मियोसिस जो जायगोट पे हो, ठीक है? तो जायगोट में, ये रहा आपका जायगोट, जायगोट में हुई मियोसिस, जायगोट में हुई मियोसिस, ठीक है? स्पेलिंग को थोड़ा वो कर लेना यार, ऊपर नीचे हो जा रहा है, ठीक है? और जैसे ही बेटा जायगोट में मियोसिस हुई, वो क्या बन जाएगा? हैप्लॉइड सेल। तो आप किस में देख सकते हो ऐसे वाली प्रोसेस, ऐसे वाली मियोसिस आप देख सकते हो? एल्गे में और फंजाई में।
कोई लिखो मत, बस ध्यान से सुन लो एक बार. समझ में आ गया? कोई डाउट है यहाँ तक? ज़ाइगोटिक मियोसिस समझ आ गया सबको? नो मैम. नो मैम, नहीं समझ में आया? अच्छा ठीक है, ओके गुड. रितु यू आर वेरी एक्टिव टुडे, नाइस, गुड टू सी दैट, बहुत बढ़िया. ठीक है, ऐसे एक्टिव रहो. बाकी भी रितु तुम औरों को मोटिवेट करो यार भाई, बात कर लिया करो, चैट कर लिया करो. ठीक है, तो अब सुनो, जाइगोट मियोसिस, फिर से मैम बता रही है, जाइगोट के अंदर मियोसिस हो जाती है तो वो बना देता है हैप्लॉइड सेल. आप ऐसे किसमें देख सकते हो? एल्गे में और फंजाई. गुड और नॉट? अरे समझ में आया नहीं? यस यू मैम. ठीक है, नेक्स्ट है स्पोरिक मियोसिस. मियोसिस, स्पोरिक मियोसिस ना, ओ ओके, काफी अच्छा टैलेंट है, कभी कभार ज्यादा टैलेंट दिखा देती हूँ मैं. ओके स्पोरिक मियोसिस, ये कट नहीं किया, गलती से हो गया. स्पोरिक मियोसिस यार, स्पोरिक मियोसिस क्यों आएंगे? वर्ड से समझ आ रहा है कि कुछ मियोसिस हो रही है स्पोर्स में. ठीक है, तो जो स्पोर मदर सेल्स होंगे, स्पोर मदर सेल्स में आप स्पोरिक मियोसिस को देख सकते हो. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर जैसे मैं बोलूं कि हमारा जो पोलन होता है, पोलन ग्रेन, सुना है ना? पोलन ग्रेन बनता कैसे है? देखो पोलन के अंदर जब मियोसिस होगी, कैसी मियोसिस? स्पोरिक मियोसिस, ये वाली मियोसिस होगी, तो बेटा ये पोलन ग्रेन बना देगा. ठीक है, और पोलन ये होगा कैसा? पोलन होगा ये 2n, जैसी मियोसिस हुई ये क्या हो गया? हैप्लॉइड. समझ आया यहाँ तक? यू मैम. ठीक है, फिर आपका आ जाता है क्या बोलते हैं, दूसरा आपका है स्पोर मदर सेल. स्पोर मदर सेल ये लिखा है मैंने यहाँ पे, एस एम सी लिख रहे हैं मैम, एस एम सी. इसमें भी बेटा मियोसिस होती है, स्पोरिक मियोसिस होती है. ठीक है, जैसे ही इसमें भी स्पोरिक मियोसिस हुई, इसने बना दिए स्पोर्स. ठीक है, तो देखो एस एम सी यानी स्पोर मदर सेल्स भी आपके क्या था, कौन सा सेल है ये? बता दो, 2n कौन सा सेल होता है? डिप्लॉइड. बस तो समझ में आता है, और किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा? तुम लोग क्लास में नहीं हो? यस मैम. का क्या करना मैंने? ऐसा तो नहीं है कि तुम हाँ बैठे हुए और आराम से पीछे टीवी चल रहा है, तुम देख रहे हो फनी फनी मूवीज, ऐसा तो नहीं कुछ चल रहा? नो मैम. तुम ध्यान दो यहाँ पे. यस मैम, नो मैम, कुछ तो बोलो, नहीं तो मैम को ऐसा लगेगा मैम दीवारों से बात कर रही है, क्योंकि तुम दीवार जैसे ही तो हो, बोलते तो हो नहीं, है ना? नहीं नो मैम. तो मैंने पहले भी बोला तुम स्कूल में नहीं बैठे हो, तुम नॉर्मल क्लास में बैठे हो जहाँ पे तुम बात कर सकते हो. ठीक है, बोल सकते हो, डाउट पूछ सकते हो. चलो अब मैं फिर से बता रही हूँ मैम, स्पोरिक मियोसिस कहाँ पे दिखेगा यार? स्पोर मदर सेल्स में दिखेगा. ठीक है, तो पहले आप देखेंगे पोलन में, पोलन ग्रेन, पोलिनेशन, सब सुना है ना तुमने या नहीं? क्योंकि स्पोरिक मदर सेल्स आपका था डिप्लॉइड और इसने बना दिया हैप्लॉइड स्पोर्स, और ये क्या बन गया? स्पोर्स बन गया. आप किसमें देख सकते हो? ब्रायोफाइट्स हो गए, फिर आपके पेट्रिडोफाइट्स हो गए, और आपका एंजियोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म. सुने ये तुमने एनिमल किंगडम में नाम या नहीं, या भूल गए? टेंशन ना लो, उसमें आप ये स्पोरिक मियोसिस देख सकते हो. ठीक है, तो जब मैं एनिमल किंगडम पढ़ाऊंगी, मैं पूछूंगी उसमें कौन से मियोसिस होते हैं, और तुम्हें बोलना पड़ेगा. ठीक है, क्योंकि तुम्हें पता है ना, जब मैं पढ़ा रही हूँ कनेक्ट करके पढ़ाती हूँ. यस मैम, यस मैम करते रहते हो, याद तो मैं कुछ रहता नहीं. यही क्वेश्चन जो मैंने कल पूछना ना, एक ने जवाब नहीं देना. चलो आगे सुनो. ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया सबको? स्पोरिक मियोसिस और ज़ाइगोटिक मियोसिस. यू मैम. ठीक है, किसी को डाउट है फटाफट से हैंड रेज़ करो अगर है तो. राइजोपस में भी? हाँ यस, गुड गुड गुड. हाँ मतलब इतने सारे एग्जाम्पल तो ऑब्वियसली नहीं लेने, बस कुछ कुछ एग्जाम्पल है ना, जैसे मैंने पिछले एल्गे और वो बता दिया आपको, ये इनके भी हो जाते हैं.
नेक्स्ट करते हैं. थर्ड इज योर थर्ड था आपका गेमेटिक स्पोर्स. ठीक है, सॉरी नॉट गेमेटिक स्पोर्स, गेमेटिक मीओसिस. क्या लग रहा है, क्या होगा ये, कौन से कहाँ पे फाइंड, कहाँ पे देख सकते हैं आप ये वाला मीओसिस, बताओ. गेमेट्स. वेरी गुड, गेमेट्स में नाम में ही उसका डेफिनेशन है. ओके, मतलब आप देख रहे हो ना, पहले हमने पढ़ा देखो जाइगोटिक मियोसिस, यानी मियोसिस जाइगोट में हो रही है. फिर हमने पढ़ा स्पोरिक मियोसिस, स्पोर में हो रही है, या फिर पोलन्स में हो रही है. गेमेटिक मियोसिस यानी गेमीट में हो रही है. सिंपल है या नहीं है, टफ लग रहा है क्या? गेमीट तुम देखते हो मेल और फीमेल. ठीक है, मेल और फीमेल. तो मेल में आप कौन से वाले देखोगे, मेल में आप कौन से वाले देखोगे? मियोसिस होगी तो बेटा क्या होगा, स्पर्म्स बनेंगे, प्रोसेस होगा आपका स्पर्मेटोजेनेसिस. अभी पीछे ही बताया फिर भी नहीं बता रहे हो. फीमेल का बताओ, मैं लिखूंगी तुम लोग बोलोगे. चलो फीमेल में क्या होता है, मियोसिस हो जाए, उस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? ओजेनेसिस. शाबाश, सारे बोलो ओजेनेसिस. यस, और वो क्या बनेगा, गेमीट का नाम क्या होगा? ओवा या एग. ओवा, वेरी गुड. मियोसिस होने से पहले सेल कैसा दिखता है? मियोसिस होने से, हाँ बोलो बोलो, सही बोला था. डिप्लॉइड. यस, डिप्लॉइड सेल. तो अगर डिप्लॉइड सेल रहेगा, दोनों ही डिप्लॉइड है ना, तो दोनों का कंटेंट सेम रहेगा, क्रोमोसोम भी सेम रहेंगे, क्रोमोसोम एंड कंटेंट दोनों सेम है. जैसे मियोसिस हो जाए बेटा, ये हो जाएगा हाफ, यानी एन सी एन ओ एन एन सी, हाफ हाफ हो गया. तो 23 क्रोमोसोम इसके, 23 क्रोमोसोम इसके. समझ में आ गया, बस इतना ही, और कुछ नहीं है इसमें, कोई रॉकेट साइंस नहीं है. समझ में आ गया या नहीं? ठीक है, चलो 5 मिनट रह गए, अब ध्यान से सुनो. ये था मियोसिस के कुछ कैटेगरीज, अब मियोसिस भी देख लेते हैं यार, मियोसिस कैसे करता है. यहाँ पे कुछ करना नहीं है, बस यहाँ पे ध्यान से देखो कहाँ चला गया. अच्छा, कुछ मिस तो नहीं किया मैंने, देखा एक मिनट. अच्छा गिरा, हाँ मियोसाइट्स. मियोसाइट्स यानी कि आप देख सकते हो मियोसिस, सेल के अंदर मियोसिस होती है, पढ़ लेना ये. ठीक है, कुछ नहीं है, मैम ने जो भी समझाया बस मैम ने लिखा हुआ है, और कुछ नहीं है. ओके, अब यहाँ आ जाओ, ध्यान से सुनो. ओके ठीक है, ध्यान से सुनो. पेन रख दो साइड पे, कॉपी रख दो साइड पे, ईयरफोन्स रखो, आंखें खोलो, दिमाग खोलो और सुनो. ठीक है, चलो. मियोसिस माइटोसिस हमने कर लिया, सेम वही है. मियोसिस हो गया, एम फेज आ गया. अब मियोसिस बच्चे दो में डिवाइडेड है, मियोसिस वन मियोसिस टू. दोनों ही डिवाइड करेंगे, इकट्ठे नहीं करने वाले, अलग अलग करेंगे. करते हैं वो भी, कैसे करेंगे? पहले मियोसिस हो गई मियोसिस वन में, चलो शुरू करते हैं. इसने डिवाइड किया, कहां घुस गया सबसे पहले? चलो बताओ, अनम्यूट करो सारे और बोलो, कहां गया सबसे पहले ये? कैरियोगनाइसिस. थोड़ी सी गलत हो गई, ई एस ई आना था यहाँ पे, सॉरी आई एस. ठीक है, कैरियोगनाइसिस. कैरियोगनाइस में सबसे पहले कहाँ आएगा? टीलोफेस वन से कहाँ आएगा? उस जगह को हम बोलेंगे इंटरगाइनेसिस. ठीक है, अब मेरी बात सुनो ध्यान से. जब आप कोई गेम खेलने जाते हो, अगर आपने कभी कहीं गेम नहीं खेला, कभी देखा होगा, तो उसमें एक ब्रेक टाइम होता है. चलो वो सब छोड़ो, स्कूल में आपका ब्रेक टाइम होता है, 3 या 4 क्लास पहले लग जाते हैं, फिर एक ब्रेक टाइम होता है ना, जिसमें आप लंच करते हो और गप्पे मारते हो, हाय बहुत ठंडी है यार, घर आग में बैठते हैं, मूंगफली खाते हैं, गच्चक खाते हैं, होता है या? गच्चक और मूंगफली का नाम सुन के खुशी आ गई होगी, काफी लोग तो एकदम मुंह में पानी तो नहीं आ गया तुम लोगों के? ठीक है, इंटरगाइनेसिस यानी वो जो रेस्ट ब्रेक टाइम तुम्हें मिलता है बढ़िया खाना खाने का, है ना, उस टाइम उसको हम बोलते हैं इंटरगाइनेसिस. वहां पे सेल कर रहा है थोड़ी देर आराम, जैसे ही वो आराम कर लेता है वो चला जाता है किधर? वो चला जाता है इधर. कहाँ बताओ?
मियोसिस टू, शाबाश, मियोसिस टू, वहां पर फिर ये डिवाइड करना शुरू करता है, उस प्रोसेस को हम क्या बोलेंगे यार, कैरियोकनाइसिस टू। तो अब बताओ चलो कैरियोकनाइसिस में सबसे पहला कौन हुआ, प्रोफेज टू, फिर कौन हुआ, वहां पे साइटोकाइनेसिस टू में आके मियोसिस हो जाती है कंप्लीट। ठीक है, समझ में आ गया? यस मैम। थोड़ा सा डायग्राम देख लेते ताकि आपको याद रहे कि ये है क्या। ओके ठीक है, अब ये देखो थोड़ा ध्यान से, एक सेकंड, कुछ नहीं अभी जो भी मैम ने समझाया बस वही सब है। ठीक है, डर मत जाना इतना, ऐसा सब कुछ देख के तुमको कि मैम ये क्या बना दिया, ऐसा तो कभी हमने देखा ही नहीं है, देखना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो तो सबसे पहले आपका सेल गया, ठीक है मैम ने इसलिए अंदर को नहीं बनाया वरना सारा खराब हो जाएगा। ठीक है, तो जीवन में आता है आपका सेल, यहाँ बना देते हैं मैम, जीवन में आया सेल, जीवन से वही प्रोटीन और अपना आरएनए सब कुछ जो सेम ने पढ़ रखा है भाई, उसके बाद जीवन से कहाँ आ जाएगा बेटा, एस में डीएनए हिस्टोन सेंट्रियोल की डुप्लीकेशन सब करेगा ये बैठ के, उसके बाद एस से कहाँ जाएगा जी टू में, क्या लिखा है फटाफट से पढ़ो क्या क्या लिखा है, ट्यूबुलिन बनाएगा और गोल्जी, यस गोल्जी माइटोकॉन्ड्रिया क्लोरोप्लास्ट। ट्यूबुलिन क्या था, ट्यूबुलिन क्या था, ट्यूबुलिन क्या था बताओ। अच्छा तूने बहुत कुछ बोला, ट्यूबुलिन क्या है बच्चों, अरे ट्यूबुलिन नहीं पता, अल्फा एंड बीटा डाइमर्स, कैसे भूल गए, हाय रब्बा मुझे कूद जाना चाहिए चुल्लू भर पानी में बच्चों, ट्यूबुलिन भूल गए तुम, न्यूज़पेपर। यस मैम। कौन बोला ये, यस मैम, यस मैम वो कौन बोला, भूमिका और किसने बोला, तुम्हें ये न्यूज़पेपर याद है, ये वाला न्यूज़पेपर नहीं कि जो सुबह उठ के पापा मम्मी पढ़ रहे होते हैं, वो नहीं जो मैंने करके दिखाया था अल्फा बीटा डाइमर्स। ठीक है, अब जैसे ही बच्चे ये जी टू में पहुंच जाता है कौन सेल, फिर वो जाता है सबसे पहले प्रोफेज वन, प्रोफेज वन में यानी मियोसिस वन शुरू हो गई है। पूरा पढ़ेंगे अच्छे से कल, टेंशन ना लो, ये थोड़ा सा आपको जनरल आइडिया दिया, आपको समझ में आए कि, क्योंकि आज हमने माइटोसिस भी किया और मियोसिस भी किया, कंफ्यूजन ना हो इसीलिए खत्म करें इसको। ठीक है, सो प्रोफेज वन ये रहा, प्रोफेज वन से गया मेटाफेज वन, फिर कहाँ जाएगा जल्दी जल्दी बोलो फटाफट से, एनाफेज वन, साइटोकाइनेसिस इंटरकाइनेसिस में लेगा ये ब्रेक, थोड़ी देर रेस्ट करके फिर काम करना शुरू कर देगा मियोसिस टू में, यानी कहाँ पे प्रोफेज टू, फिर कहाँ जाएगा मेटाफेज टू, यस मेटाफेज टू, फिर एनाफेज, टेलोफेज टू, फिर पूरा प्रोसेस किया इसने, इंटरकाइनेसिस हुई, इंटरकाइनेसिस करके सेल यहाँ पे देखो दो डिवाइड कर रही है ना, दिख रही है ये, यही दो सेल है यहाँ पे, फिर माइट दोनों में हो गई माइटो, सॉरी मियोसिस टू, मियोसिस टू स्टार्ट हो गई है यहाँ पे, और फिर जैसे ही इनमें मियोसिस टू स्टार्ट हो जाती है बच्चे, ये डिवाइड करते हैं और डॉटर सेल्स में, लेकिन यहाँ पे सेल्स आपकी होती हैं हैप्लॉइड, क्यों हैप्लॉइड सेल्स होती हैं, क्योंकि मियोसिस का मतलब यही है कि वो डिप्लॉइड से हैप्लॉइड कर देती है, दो से वो एक बन जाती है, मियोसिस का काम यही है, दैट्स इट फॉर टुडे। ठीक है, कोई डाउट कि मैम नहीं समझ में आया ऐसा कुछ, नो मैम, ओके फाइन। तो अभी एक छोटा सा होमवर्क है, होमवर्क बस इतना ही है कि आपको करना क्या है, आपने मियोसिस और माइटोसिस दोनों पढ़ के आने, ठीक है।